गुड मॉर्निंग छात्रों, आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में पेपर सेकंड बायोस्टैटिक्स में हमने आपको सेंट्रल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग हमने आपको मैथमेटिकल एवरेज और एवरेज ऑफ पोजीशन बताया। जैसे कि मैथमेटिकल एवरेज में आपके अर्थमेटिक मीन थे और हार्मोनिक मीन थे, ज्योमेट्रिक मीन थे, इसको हमने आपको बाकायदे जो है कैलकुलेशन करके बताया। फिर एवरेज ऑफ पोजीशन में हमने आपको मीडियन और मोड को बताया। जैसे कि चाहे वो मीडियन हो, चाहे मोड हो, चाहे अर्थमेटिक मीन हो, सब में हमने आपको अनुग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा को लेते हुए आपको एग्जाम्पल सहित बताया। और आज की डेट में हम आपको मोड ख़त्म होने के बाद, पिछले वीडियो में हमने मोड को एंड किया, अब उसके आधार पे एक साथ हम कुछ एक प्रॉब्लम लेके आए हैं आपके सामने। उस प्रॉब्लम में आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालना है एक ही डाटा से। जैसा कि हमने आपको दिखाया है, कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द डाटा। इसमें आपको ज्ञात करना है, इस डाटा में सबसे पहले हम मीन को ज्ञात करेंगे, फिर मीडियन और फिर मोड। अब आपको देखना है कि ये आपके कंटीन्यूअस सीरीज का डाटा है। अब आपको पहचान करने का, देखिए आपको जब एक पोर्शन ख़त्म हुआ, मेन मीडियन मोड ख़त्म हुआ, तो उस पर हम आपको एक एग्जांपल अलग से बताने चल रहे हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम पेपर में अगर कभी इस टाइप का प्रॉब्लम अगर दिया है और एक साथ आपको मेन मीडियन और मोड निकालना है तो किस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल में देख रहे हैं कि 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40 और 41, 45, 46, 50, 51, 55, 55, 60, 61, 65। एक तरीके से आपको पाँच पाँच का अंतर जो दिया गया है और फिर इसके बाद 4, 4, 9, 7, 13, 3, 3, 2, 2 और 3, ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो छात्रों, अब हम सबसे पहले जब भी आपको ज्ञात करेंगे तो मीन, तो मीन ज्ञात करने के लिए आप सॉल्यूशन जब करेंगे, सोल्यूशन जब करेंगे तो मीन निकालने के लिए इसमें क्या है कि आपके चार कॉलम, दो कॉलम पहले से दिए हैं, दो कॉलम आपको प्रिपेयर करना होगा। तो इसमें आपके सोल्यूशन में मेक ए प्रिपेयर प्रिपेयर ऑफ फोर कॉलम। फर्स्ट कॉलम आप देखिए, हम आपको दिखाते चल रहे हैं, फर्स्ट कॉलम आपका क्लास इंटरवल से हो जाएगा। सेकंड कॉलम आपका जब भी निकालेंगे तो इसका मिड पॉइंट निकालना होगा, मिड पॉइंट। तीसरा कॉलम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का और चौथा कॉलम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट का। छात्रों, ये आपको अभी एग्जांपल आप पढ़े हैं इसी तरीके से अब आपको हल करना है। तो अब सबसे पहले हम तो इसका क्लास इंटरवल दिखाते हैं। तो 16 से 20, 21 से 25 और 26 से 30 और 31 से 35 और फिर 36 से 40 और 41 से 45, 46 से 50, 51 से 55 और 55 से 60, 61 से 65। छात्रों, ये तो रहा आपका क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल के साथ साथ अब आपको देखना है कि मिड पॉइंट क्या आएगा। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी आपको दिखा देते हैं, 4, 4, 9, 7, 13, 3, 3, इसके बाद 2, 2, इसके बाद 3, लास्ट में, ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी। अब इसमें मिड पॉइंट निकालेंगे जब, तो मीन में कंटीन्यूअस सीरीज में जब हम मीन निकालते हैं
तो उसमें आपका सबसे पहले जो क्लास इंटरवल दिया रहता है, क्लास इंटरवल के साथ साथ आपको उसका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट का जो सूत्र है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे दो। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है आपका 16 है, तो अब यहाँ पे एक तरीके से आप 16 प्लस 20 बटे दो करेंगे तो जो आएगा वही मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे 20 10 36 बटे दो, तो आप कर सकते हैं 36 बटे 2, तो 18 आ जाएगा इसका मिड पॉइंट। जोड़ करके दो से भाग दे देंगे, 18 आया। फिर इसके बाद 21 25 को जब देखेंगे तो आपका जब जोड़ेंगे 21 प्लस 25 बटे दो, तो 5 1 6 और 46 बटे 2, तो इसका 23 आ जाएगा। इसी तरीके से छात्रों 26 और 30 20 56 56 बटे 2, तो आपका आ जाएगा 28 आएगा, 28 2 56। इस तरीके से फिर 21 और 35, तो 5 1 6 और 3 6 6 66 बटे 2, तो आपका 33 आ जाएगा। तो इस तरीके से 33 करते फिर आपका 38 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 38 के बाद फिर 43 फिर आपका 48 के बाद फिर 53 56 फिर 56 और 56 के बाद आएगा 63 लास्ट में 63। जब भी जोड़ेंगे आपको एक तरीका निकल गया इस तरीके से, ये आप मिड पॉइंट निकालेंगे इस तरीके से, तो ये आपका हो गया। इस तरीके से आप निकालते चले जाएंगे तो ये और ये, तो आपका मिड पॉइंट हो गया। जब भी जोड़ेंगे 26 23 30 20 56 28 हो गया, 35 5 6 33 33 हो गया, 36 40 जब जोड़ेंगे 40 30 76 76 बटे 2 करेंगे 38 हो जाएगा, 41 45, तो 5 1 6 और 4 86 बटे 2 करेंगे 43 आ जाएगा, 46 50 करेंगे तो आपका जो है एक तरीके से 46 50 जब जोड़ेंगे 50 40 90 96 बटे 2 करेंगे तो आपका 48 हो जाएगा। 48 के बाद फिर 51 55 जब करेंगे तो 51 और 55 जब करेंगे तो 50 50 100 और 100, या तो एक तरीके से 5 1 6 और 5 5 106 बटे 2 करेंगे 53 आ जाएगा। 55 और 60 जब जोड़ेंगे तो 55 60 बटे 2, तो आपका एक तरीके से 5 आएगा, 56 11 एक तरीके से 55 और 60 60 50 100 60 50 110 16, तो 56 आ जाएगा। 61 65 जब जोड़ेंगे तो सर जब मिड पॉइंट 63 आएगा। अब छात्रों यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी है और मिड पॉइंट गुणा करेंगे, तो अब फ्रीक्वेंसी मतलब एक तरीके से 4 और 18 का जब गुणा करेंगे तो 18 4 72 आ जाएगा। इस तरीके से आपका 23 ये 4 और 23 जब करेंगे तो अब अगर 4 3 12 हो जाएगा, और इसके बाद एक तरीके से आती है 12 2 4 2 8 1 9 92 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हल करते जाएंगे, फिर 28 को 9 में गुणा करेंगे तो 9 गुणते 28, तो 28 जब करेंगे तो 8 9 72 एक तरीके से आपका आएगा 252 252, और इस तरीके से फिर आपका 33 में 7 का गुणा करेंगे तो 33 में 7 का कर देंगे, तो इस तरीके से जब आएगा तो आपका 231 231, और लास्ट में फिर 231 के बाद फिर आएगा 494 494 494 के बाद फिर आएगा 129 129, और 129 के बाद फिर आपका आएगा 144 144 के बाद फिर आप जो मान निकालेंगे 116 116 और 116 116 के बाद फिर आएगा 189। तो छात्रों यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको एक सीरियल से जब करिएगा, जिस इस तरीके से आप हल करेंगे ये इस तरीके से, अब यहाँ करेंगे तो आप चलेगा इस तरीके से, आप देख लीजिए जो है इसको और ये, और फिर जो है इसको 33 और फिर 38 फिर 43 48 53 56 और 63। अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका इस तरीके से आपका जो आ जाएगा यहाँ पे ये पॉइंट्स, इस तरीके से आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी,
अब आपको मल्टीप्लाई करने का जो तरीका हमने आपको बताया, इस तरीके से आप करेंगे। अब फर्क यहाँ पे ये है कि मीन निकालने के लिए, जब मीन आप निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आपका फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं समेशन या फिर इक्वल टू 50 आ जाएगा, 50 है। और यहाँ पे आप जब हल करेंगे तो समेशन एफ एम आएगा, आपका जोड़ने पे आया है 1825, तो 1825 जब आप जोड़ेंगे आप देख सकते हैं 1825 आएगा, पूरा कैलकुलेट किए हम। कैलकुलेट करने के बाद अब हम आपको सूत्र में रखेंगे एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ इंटू यम अपान समेशन यम। तो समेशन एफ एम आया है 1825, तो 1825 बट्टे समेशन एफ 50 आया है। अब इसको छात्र जब भाग देंगे तो आएगा आपका 36.5, तो यहाँ पे 36.5 एक्स बार आ जाएगा। तो अगर आप इसको हल भी करते हैं तो आप 1825 भागे 50 करेंगे तो आपका 5 50 3 5 3 आप कर देंगे तो 300 और 3 5 15 150 आ गया। तो अब 2 आया, 8 में 5 गए 3 आया, काट दिए। अब फिर 50 32 जाएगा नहीं, 50 करेंगे तो अब हम जब भाग ले जाएंगे 6 बार करेंगे, तो अब 6 बार जब करेंगे तो 600 6 5 30 तो भाग देने 5 आ गया और यहाँ 2 आ गया, 1 कट गया, 50। अब यहाँ 10 बढ़ाएंगे, 10 बढ़ जाएगा, तो 5 5 25, तो ये आपका आगे कट गया पूरा। इस तरीके से अब क्या है 36.5 जो है इसका आपका मीन आ गया छात्रों, एक आपका मीन निकला अभी तक। अब मीन के बाद हम यही सब कुछ रहेगा, पूरा टेबल यही रहेगा। अब मीडियन जब निकालेंगे, मीन के बाद जब मीडियन निकालेंगे तो उसमें जो आपके कॉलम होंगे वहाँ 3 ही बनेंगे। तो इस तरीके छात्रों यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिए, जो सोल्यूशन हमने आपको कराया उस सोल्यूशन को आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम दूसरा आपको जो एग्जांपल है अब हम आपको मीडियन बताएंगे। तो अब मीडियन में देखिए कि मीडियन में आपको 3 कॉलम प्रिपेयर थे, तो 3 कॉलम में हमने आपको बना के दिखा रहे हैं इसका क्या 3 कॉलम है। तो अब आप यहाँ नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे है कि मेक ए प्रिपेयर ऑफ 3 कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम जो होगा मेक ए प्रिपेयर ऑफ 3 कॉलम फर्स्ट क्लास इंटरवल का, सेकंड आपका फ्रीक्वेंसी का, और थर्ड जो कॉलम होगा वो आपका है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान दीजिएगा कि 16 से 20 और 21 से 25, 26 से 30 और 31 से 35 और 36 से 40 और 41 से 45 और 46 से 50 और 51 से 55 और 55 से 60। ये तो क्लास इंटरवल, इसकी फ्रीक्वेंसी 4, 4, 9, 7, 13, 3, 3, 2, 3, 3, 13, 3, 3, 51 से 55, 2 और 55 से 60, 2 और 1 और है 61 से 65, यहाँ पे आपका 3। तो एक तरीके से नंबर आ गए। अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपका नंबर सेम रखा जाएगा, तो सेम नंबर जब रखेंगे तो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगा, 4 4 8 8 9 17 17 3 20 24 और 24 10 34 3 37 37 3 40 40 3 43 43 2 45
पैंतालीस दो सैंतालीस, सैंतालीस तीन पचास। तो छात्रों क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इसका 50 आ गया। अब आपका टेबल जो है तैयार हो गया। टेबल जब तैयार हो गया तो अब इसमें हल करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर यन इज इक्वल टू 50। यन मतलब नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितना है, 50 है। तो अब मीडियन का जो फार्मूला लगता है, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ, यहाँ करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्लस 1/2 TH कर देंगे। तो साइज क्या है, 50 है, 50 प्लस 1/2। अब आप इस तरीके से TH कर देंगे तो आएगा 51/2। जब हल करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 25 शाम में हो जाएगा, और फिर इसके बाद 2 × 5 = 10, 25.58 TH आइटम आ जाएगा। ये तो अब देखना है कि जो आपका 25.5 आया आइटम, तो यहाँ पे देखना 24 और 37 के बीच में आएगा, तो 24 और 37, तो एक तरीके से जो आया है ये इसका क्लास इंटरवल जो होगा वो आपका आएगा 36 और 40 के बीच में। तो ये चीज़ है, ये आपका आएगा तो ये 40। अब यहाँ पे दिखाना ये है हमें कि फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम वी फाइंड दैट द 25 आइटम फॉल बिटवीन, कहाँ पे गिर रहा है, 25.5 आइटम फॉल बिटवीन 36 से 40 वाले ग्रुप पे गिर रहा है। तो अब इसको हमको ज्ञात करना क्या है, मीडियन। तो इसका अब हम मीडियन का फार्मूला आपको नोट करा के देते हैं। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस आपका है n बाई 2 माइनस सी बट्टे 2, ये आपका इस तरीके से इनटू आई आ गया। अब n बाई 2 माइनस सी, अब n बाई 2 माइनस सी अपान Fm, ये आपका फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे हमें पहले दिखा दें कि L1 जैसे है, L1 इज इक्वल टू 36 करेंगे, और इसके बाद n आपका 50 है, c 24 है, तो c इज इक्वल टू 24, और Fm ये है आपका, Fm इज इक्वल टू 13 आपका हो गया। अब L1 क्या है कि 36 है प्लस n बाई 2 50/2 माइनस सी है 24। अब इस तरीके से आप करें इंटू आई का मान है 16 × 4 = 20, मतलब एक तरीके से 5 का आ रहा है। अब यहाँ पे जब हल करेंगे 36 प्लस ब्रैकेट में 25 माइनस 24 बट्टे Fm का मान है 13, आप गुणते 5। अब हल करेंगे 36 प्लस 25 में 24 का एक आएगा, 1/13 ब्रैकेट में 1/13 गुणते 5। अब यहाँ पे 13 कर देंगे तो एक तरीके से आपका 36 प्लस 5/5/13। अब जब काटेंगे तो आएगा आपका एक तरीके से 0.38 आएगा, जब काटेंगे इसको 0.38। अब इसको जब जोड़ेंगे 36 प्लस 0.38 तो आएगा 36.38। यहाँ आप कर सकते हैं 36.38, ये मेन वैल्यू हो गई, यही आपका आंसर आएगा 36.38। तो एक तरीके से हल कर दिए, यहाँ पे जब काटेंगे इस तरीके से जब आप हल करेंगे तो 36.38 आएगा। छात्रों आपका दो एग्ज़ाम्पल हुआ, आपका क्या हुआ कि मेन और मीडियन तो हो गया। अब हम लास्ट में आपको मीडियन बताएंगे कि मीडियन मोड, तो मोड के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा। तो अब हम इसको यहीं पे मिटाते हैं फिर इसको। अब दो चीज़ आपने हल कर लिया।
तो अब यहाँ पे जो मोड भी इसी के आधार पे लगेगा। बस फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, और फार्मूला अगर याद है तो फिर आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो छात्रों, आपको फार्मूला हमेशा माइंड भी सेटअप रहना चाहिए, जिससे आपको हल करने में कोई समस्या ना हो। तो अब हम मोड बताएंगे, लास्ट है आपका मोड। तो मोड में किस तरीके से बताएंगे कि यहाँ पे मेक ए प्रिपेयर ऑफ टू कॉलम जैसे दिया है सेम वही रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा पहला, और दूसरा है आपका फ्रिक्वेंसी। तो इस तरीके से आपको नोट कर लेंगे, ठीक। तो अब क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी रहेगा। तो अब मान के चलिए कि क्लास इंटरवल में आप सेम दिखाएंगे ही इस तरीके से 16 से 20, 21 से 25 और 26 से 30 और 31 से 35 और 36 से 40 और 41 से 45 और 46 से 50 और 51 से 55 और 55 से 60 और 61 से 55 से 60 एक 50 51 से 55 60 और 61 से 66। ये आप क्लास इंटरवल देख लीजिए, 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 55 60 और 61 66। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 4 9 7 13 3 2 2 2 2 और 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 4 9 4 4 9, 7 13 3 और 3, ये 3, फिर 2 और 2, और लास्ट में 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया छात्रों। अब यहाँ पे निकालना है मोड। तो मोड का फार्मूला क्या है? सबसे पहले आपको हम यहाँ दिखाते हैं कि मोड इज इक्वल टू L1 प्लस Δ1 अपॉन Δ1 प्लस Δ2, ये आपको ब्रैकेट में इनटू आई। अब ये तो मेन आपका फार्मूला हो गया मोड का। तो सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 13 की है, तो इसको हम क्या मानेंगे? 13 को हम F1 मानेंगे। ये क्या है? F1, और ये क्या है? F0, और ये क्या है? F2, और उसके बाद L1, ये आपका L1 बराबर 36 है। तो हम यहाँ पे एक लाइन में दिखाते हैं कि Δ1, यहाँ हम आपको दिखा देते हैं कि Δ1 इज इक्वल टू F1 माइनस F0, और अगर मान लीजिए F1 का मान कितना है? 13 है, और माइनस F0 का मान कितना है? 7 है। 13 में 7 गए 6, ये हो गया। इसी तरीके Δ2 इज इक्वल टू F1 माइनस F2, तो F1 का मान 13 है और F2 का मान है 3, तो जब हल करेंगे तो आएगा 10। तो ये तो सूत्र के हिसाब से जो बताया कि सूत्र इसमें कई होते हैं, लेकिन हमने आपको यहाँ भी ये वाला फार्मूला सबसे सिंपल है छात्रों, इसलिए हम आपको पहले यही फार्मूला बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सबसे सिंपल हो, जिसके आधार पे हम अच्छे से इसको हल करके दिखा सकते हैं। ये तो आपको तरीका सही हो गया किस तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो अब यही फार्मूला है L1 प्लस Δ1 अपॉन Δ1 प्लस Δ2 इंटू आई। अब हम मान यहाँ दिखा देते हैं कि जो L1 है,
L1 इज इक्वल टू कितना है, 36 है। इसके बाद L1 का मान तो आ गया, F0 का मान है, F0 7 हो गया, F1 आपका है 13, F2 आपका है 3। इसके बाद फिर आपका जो है ये तो हो गया, यही मान हमको दिखाना था, L1, F0, F1 या F2। तो अब हम इसको और सरल तरीके से कर दिए, Δ1 is equal to F1 माइनस F0 is equal to 13 माइनस 7, जो कि 13 आपका F1 का मान है और 0 का मान 7 है, 13 में 7 घटाएंगे 6 आएगा। अब Δ2 जो होता है वो F1 माइनस F2 है, तो F1 13 है और F2 आपका 3 है, इसमें आप जब घटाएंगे तो 10 आएगा छात्रों। अब इसको हम फार्मूला में रखने चल रहे हैं कि किस तरीके से हमको रखना है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे L1 क्या है, 36 है, 36 प्लस Δ1 का मान कितना है, 6 है। तो अब यहाँ पे हम 6 रखेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से 6 अपान Δ1 का मान क्या है, 6 प्लस Δ2 का मान है 13 में से 3 गए 10, तो एक तरीके से 6 और 10 हो जाएगा। तो ये आप ब्रैकेट इस तरीके से बंद कर देंगे और अंतर कितना है, 16 4 20, तो एक तरीके से अंतर जो है 5 का है, तो यहाँ पे हम 5 का अंतर करेंगे, 16 से पूरा काउंटिंग करेंगे। अब ऐसे 16 4 20 है, लेकिन जब 16 लेंगे 16 17 18 19 20, 5 का अंतर आ रहा है। अब आप इसी को हल जब करेंगे तो अब यहाँ पे 36 है प्लस 6 एक तरीके से यहाँ पे 6 बट्टे 16 हो जाएगा, तो इस तरीके से हल कर लीजिए, और 5 का इतना आप समझ रहे हैं, जब भी लिखेंगे तो इस तरीके से ही लिखेंगे। अब ये तरीका है बहुत ही सिंपल है, और इस तरीके से जब हल करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 36 प्लस 5 6 30 और 30 बटे 16। अब इसको हल करेंगे 30 बटे 16, तो अब योग हट गया, तो अब 30 अब यहाँ करेंगे 36 प्लस 16 का भाग ऐसा दीजिए कि 30 कट जाए, तो 16 दुना 32 16 91 जाएगा। तो एक तरीके से हल करने के लिए आप भाग दे सकते हैं इस तरीके से 30 में 16 का, तो अब 16 91 16, तो अब यहाँ पे 10 में से गए 4 हो जाएगा, 2 में से गई 1 14 आया। अब कटेगा नहीं तो पॉइंट करेंगे तो यहाँ 40 हो गए, 16 में 16 ये आपका जो भाग जाएगा 8 वाले 16 8 आप 16 8 जब ले जाएंगे तो 8 6 48 का 8 और 8 91 8 और 4 12 128 16 8 128, तो अब 10 में से 8 गई 2 हो जाएगा, अब यहाँ 3 में से 2 गए 1, अब ये कट गया, अब अच्छा अब ये अब फिर ले जाएंगे तो 16 3 48, अब एक तरीके से आप कह सकते हैं 7 बार लगे, 7 बार जब ले जाएंगे तो 7 6 42 हासिल 4 7 6 11, अब ये कट गया, तो इतना बार आप ले जा सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं 1.87। तो छात्रों ये तो भाग देने के बाद आपका आया हुआ है, अब आप जब भाग दिए तो ये आ गया। अब इसका जब हल करेंगे इसको तो अब क्या आएगा, 36 प्लस 1.87, ये तो काटने के बाद इतना आया, अब 8.7 करेंगे तो क्या आएगा 37 आया। ये आपका एक तरीके से जो मोड है उसकी वैल्यू आ गई, तो ये मोड हो गया। एक तरीके से आपको हम दिखा दें कि ये मोड निकालने का तरीका है छात्रों, तो ये आपका मोड है। तो इस तरीके से जब भी अगर टेबल दिया रहता है तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको मीन निकालना है। अब कंटिन्यूस सीरीज से जो मीन होता है छात्रों,
तो कॉन्टीन्यूअस सीरीज से जब मेन निकालेंगे तो वहाँ सोल्यूशन जब करेंगे तो वहाँ दिखाएंगे कि मेक ए प्रिपेयर ऑफ फोर कॉलम, दैट इज फर्स्ट कॉलम ऑफ द क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम ऑफ द मिड पॉइंट, थर्ड कॉलम ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड फोर्थ कॉलम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट। जब उतना करने के बाद आपका जो फार्मूला है, फार्मूला लगाएंगे क्या कहते हैं कि एक्स बार, एक्स बार मीन्स तो मिन को इंडिकेट करता है, तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। तो समेशन एफ एम जो होता है वो आपका मिड पॉइंट के लिए होता है, समेशन एफ जो आपके फ्रिक्वेंसी की वैल्यू, जब उसको काटेंगे तो मिन निकल जाएगा। अब जब मीडियन की बात आती है तो यही टेबल रहेगा, यही डाटा रहेगा। मीडियन में आप जब सोल्यूशन करेंगे, मेक ए प्रिपेयर ऑफ थ्री कॉलम, दैट इज फर्स्ट कॉलम ऑफ द क्लास इंटरवल एंड सेकेंड कॉलम ऑफ द फ्रिक्वेंसी एंड थर्ड कॉलम ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो वहाँ पर जब मीडियन निकालेंगे तो सबसे पहले आपका मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ आगे लिखेंगे ब्रैकेट में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्लस वन अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज इन टू आई का इन टू टी एच आइटम करेंगे। तो अब वहाँ पे क्या है कि जो फ्रिक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगा उसको उसमें एक जोड़ करके दो से भाग देंगे, तो जो नंबर आएगा इस तरीके से यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे, और उसके बाद फिर उसका मीडियन ज्ञात करने के लिए अलग से जो कॉन्टीन्यूअस सीरीज का जो फार्मूला है वहाँ पे आप L1 प्लस ब्रैकेट में n बाई टू माइनस सी अपान एफ एम इन टू आई करेंगे। तो अब जब जो आएगा उससे आप हल करेंगे, और इसके बाद जब मोड लिखेंगे, जब मोड करेंगे तो मोड में क्या है कि अब मोड के लिए डायरेक्ट हम मेक ए प्रिपेयर ऑफ टू कॉलम बनाते हैं। तो टू कॉलम में सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल दिया गया है, क्लास इंटरवल में आपको जैसे 10 नंबर तक के क्लास इंटरवल दिए गए हैं, और उसमें हर एक क्लास इंटरवल में पाँच पाँच का अंतर है। अब पाँच के अंतर जब है तो आप ये दिखाएंगे कि जब उसमें जो फ्रिक्वेंसी, मोड का नियम है कि वह किसी भी क्लास इंटरवल में जो फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है, ज़्यादातर आया रहता है, उसी को हम मोड कहते हैं। तो जैसे अगर हम ऐसे भी देखें तो मोड आपका 13 ही हो जाएगा, लेकिन अब 13 को हम इस तरीके से जब हल करेंगे तो अब यहाँ पे नियम है जो फार्मूला के आधार पे जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको हम एफ वन मानेंगे, और जो उसे उसके बाद फिर कम है एफ जीरो मानेंगे, फिर एफ टू मानेंगे, और ये जब वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो हम देखेंगे कि ये किसकी फ्रिक्वेंसी है, तो आप देखेंगे 36 और 40 के ग्रुप का फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। 36 और 40 की जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो हम उसी को जो लोअर लिमिट है 36 उसको L1 मान लेंगे। तो ये मोड का जो फार्मूला है L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई है। आप कन्फ्यूज मत होइए कि F1 कहाँ सा है, तो यहाँ पे F1 फार्मूला पहले यही था कि मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F2 अपॉन F0 करके था। तो हमने उसको क्या किया था कि उसको कन्वर्ट कर दिया इस फार्मूले में। तो ये फार्मूला आपको सिंपल है, क्योंकि इसमें क्या F1 और F0 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, फिर F1 और F2 निकाल लेते हैं, तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकल जाता है। तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई कर देंगे। तो यहाँ पे जो 36 है आपका L1 हमने माना था, और F0 7 है, F1 13, F2 इसलिए किए ताकि उसको हल करने में आसानी रहे, जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मान निकाले हैं। तो अब यहाँ पे जो L1 है वो आपका 36 है, L1 आपका 36, तो 36 में हमने आपको L1 मान लिया, और अब F1 की वैल्यू तो डेल्टा 1 से आ गया। तो अब यहाँ पे डेल्टा 1 का मान जो है हमने आपको घटा के बताया, डेल्टा 1 इक्वल टू F1 माइनस F0 अपॉन इक्वल टू, तो F1 का मान आपने हमने आपको 13 दिखाया है, और F0 का मान हमने आपको 7 दिखाया है, 13 में से 7 जब घटाएंगे तो 6 आएगा। तो अब डेल्टा 2 का मान F1 और F2 से है, तो F1 का मान 13 है, F2 का मान 3 है, 13 में से 3 जब घटाएंगे तो आएगा 10। इसके बाद अब इस फार्मूले में हमें रखना है, तो 36 प्लस 6 अपान 6 प्लस 10 हो गया इंटू 5 का वेद ऑफ क्लास इंटरवल आ रहा है,
तो अब यहाँ पे जब हम दिखाएंगे 36 प्लस 6 अपान 16 दोनों को जोड़ दिए, आई इंटू आई कर दिए 5। अब 36 प्लस 6 अपान 16 जो आया है, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर ले 5 छक्के 30, 30 बटे 16 कर दिए। अब क्या है कि 36 प्लस 1.87, 30 को 16 में जब काटे, हमने भाग मेथड से भी दिखा दिया कि भाग करके एकदम सरलतम तरीके से, ताकि आप उसको हल कर लीजिए। अब यहाँ पे 36 प्लस 1.87 है, तो अब 36 में 1.87 जब जोड़ेंगे तो मोड हमारा आया 37.87। तो छात्रों, एक एग्जांपल से हमने एक प्रॉब्लम से आपको तीन तीन जो है न्यूमेरिकल हल करके दिखाए, कि आपको एग्ज़ाम में कभी इस तरीके से भी आता है कि कोई भी एग्ज़ाम्पल है उसमें दिखाएगा कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फ्राम द डाटा, जो डाटा दिया गया है उसका मीन मीडियन और मोड तीनों निकालना है छात्रों। तो इस तरीके से आपको समझ में भी आया होगा, हमने हर तरीके से आपको प्रयास किया कि आपको सरलतम से सरलतम तरीके से बता दें, ताकि नहीं तो यार भाग न देते डायरेक्ट भी हम रख सकते थे, इसलिए भाग दे करके आपको दिखा दिए। इसी टॉपिक के साथ आज हम मोड जो टॉपिक लिए थे, तो मोड में हमने आपको टोटल प्रॉब्लम को देते हुए समाप्त किया। धन्यवाद।